मैं उनके जजमेंट से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पहली बात तो यह है कि EWS का मतलब है जो इकोनॉमिक वीकर है, उसका जाति से मतलब नहीं है, तो उसमें SC ST OBC को मनाई क्यों? अगर SC ST OBC SC ST में रिजर्वेशन लेने की बजाय वो EWS में लेना चाहता तो उसको रोक क्यों? पहला सवाल तो ये है, इसलिए असंवैधानिक है जजमेंट। और दूसरी बात, आर्टिकल 15(4) जो रिजर्वेशन की बात करता है, जब उसको आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 15(4) को साथ में मिला कर पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं जो लोग सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं और जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, उनको ये रिप्रेजेंटेशन ओब्लिक रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो उस दृष्टि से भी, चूँकि वो लोग ना तो शैक्षणिक दृष्टि से ना सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं और रिप्रेजेंटेड भी वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से उनका हक बनता नहीं है। ऑलरेडी वो तो अभी भी आप सर्वे कर लीजिए तो आप पाएंगे, अगर 100 वैकेंसी हैं तो 100 वैकेंसी में 75 वैकेंसी पे तो वही लोग पहले से ही हैं, बस उससे साफ हो जाती है तस्वीर। मैं एक कानून का ज्ञाता होने के नाते, एक वकील होने के नाते, इस जजमेंट को जब न्याय की दृष्टि से, कानून की नज़रिए से देखता हूँ तो मुझे इसमें न्याय नज़र नहीं आता। सर, संतों ने आपके सर काटने पर 50 लाख का इनाम बोला है, तो उन संतों को, पढ़े लिखे संत हैं, अपने आप को बताते हैं हम ब्राह्मण हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो हमारे भगवान को इस तरीके से बहिष्कार करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, तो किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूं कि उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं, जिस तरह बहुत तेज़ी से पूरे देश में लोग बुद्ध के धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, वो लोग अब पुरोहितों से संस्कार कराने को मना कर रहे हैं, यानी कि वो जो पैसा जाता था, चढ़ावा चढ़ता था, वो पैसा उनका चढ़ना बंद हो जाएगा। इसी बात से बौखला कर वो इस तरह की धमकियां, उलझुल धमकियां दे रहे हैं, और वो लोग ना देश के संविधान को मानते हैं, ना सरकार को मानते हैं, ना कानून व्यवस्था को मानते हैं। ऐसे लोगों को तो कानून के दायरे में लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनको कोर्ट ऑफ लॉ में ला के सज़ा मिलनी चाहिए। इससे मानसिकता साफ नज़र आती है, जो मनवादी सोच वाले लोग हैं वो लोग कभी भी जुल्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, वो लोग कभी भी जातिवाद के खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो लोग कभी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की लड़ाई में साथ नहीं आएंगे। लेकिन जो लोग मानवतावादी लोग हैं, जो देश के संविधान में भरोसा करते हैं, जो भारत को एकजुट रखना चाहते हैं, वो लोग धीरे धीरे इस लड़ाई में जरूर साथ आएंगे। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जैसे जब कोई मूवमेंट तैयार किया जाता है तो वो जादू से एकदम नहीं बनता, अगर कोई एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाए तो समझ लो वो एक उफान की तरह जो कभी भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो धीरे धीरे ताकत बनती है वो स्थायी होती है और वही हमेशा लड़ाई को जीतने में कारगर साबित होती है। राजनीतिक पार्टियों को देश के लोग जल्दी जवाब देंगे और उनमें जो न्याय पसंद पार्टियां वो साथ आएंगी भविष्य में। सर, अभी आपने कहा राजनीतिक, अगर हमारे बहुजन समाज से राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर ऐसे नहीं, मैंने तो ये कब कहा राजनीति में नहीं आना है। हाँ। राजनीति में बिल्कुल आएंगे, बाबा साहब प्रोविजन करके गए, बाबा साहब की बात करते हैं ना, लेकिन जब समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने की बात हो रही है, जब अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को संजोने और संवारने की बात हो रही है, उसमें जब राजनीति घुसेगी तो उसको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ सामाजिक और सांस्कृतिक लड़ाई से राजनीति को अलग रखें, पॉलिटिकल अनटचेबल नहीं बनाना है, राजनीति में जाना अच्छे लोग भेजने हैं, कैटराइज लोग भेजने हैं जो वहाँ जाके समाज के न्याय की लड़ाई को लड़ सके, ऐसे लोग नहीं भेजने जो गूंगे बहरे बन के संसद और विधानसभा में बैठ जाएं, ऐसे लोग भेजने हैं वहाँ जाके भी समाज के मुद्दों को उठाएं। तो सर, अब क्या करेंगे कि मतलब अभी इस्तीफा भी दे दिया है तो आगे अब क्या कुछ रहेगा? पूरे देश में जाकर अम्बेडकर वादियों को एकजुट करके न्याय की इस लड़ाई को धार देने का काम करेंगे और यहीं से अच्छे लोग निकालेंगे जो कल को जाकर हमारे समाज के लोगों को राजनीतिक रूप से भी प्रतिनिधित्व देंगे। बहुत जबरदस्त है, ओवरवेलमिंग है, मैं सोच नहीं सकता था इतना ज़्यादा तेजी से फैल रहा है, लेकिन जितना मैं सोच रहा था उससे कई गुना ज़्यादा तेजी से लोग बुद्ध के धम्म की तरफ चल पड़े हैं, लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं, मतलब इस हद तक गरीब लोग खाने को रोटी नहीं है लेकिन हाथ में संविधान ले रहे हैं, बाबा साहेब के नाम के लिए मरने मिटने को तैयार हैं, तो ये इतना बड़ा जज्बात लोगों के अंदर तैयार हो रहा है, मैं समझता हूँ हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में आने वाला है। शुक्रिया। भारत जोड़ो यात्रा को मतलब टक्कर देगा ये बौद्ध धम्म यात्रा? नहीं, आप गलत जगह ले जा रही हो। हाँ। भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक यात्रा उनकी, उन्हें करने दो। हाँ। ये लड़ाई मानवता के लिए लड़ाई है, ये न्याय के लिए लड़ाई है, इसको किसी राजनीति से प्लीज मत जोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ थे राजेंद्र पाल गौतम, जिनकी जिन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं पर जो बयान दिया था उसके चलते लगातार जो है उनके सर कलम करने की बात सामने आ रही है। पढ़े लिखे साधु संत जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, स्वर्ण समाज से आते हैं, वो संतों ने कहा कि जो हमारे भगवानों का बहिष्कार करेगा उसका हम सर कलम कर देंगे, तो उसी के चलते यहाँ पर आज जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं, भारी संख्या में लोग जो बहुजन समाज जुटा है तो वो इसी समर्थन में जुटा है, और लगातार जो राजेंद्र पाल गौतम जी का कहना है कि हम बौद्ध धम्म की बात करते हैं और बौद्ध धम्म
पर विश्वास करते हैं, उसी पर चलने वाले लोग हैं, तो इसलिए समाज से जुड़कर चलेंगे और बौद्ध धम्म की यात्रा को सफल बनाएंगे। तो इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।